जब मन हो पिज्जा खाने का तो बाहर क्यों जाने का, घर पर ही झटपट मिनी लोफ पिज्जा बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये देखिए, लग रहा है ना टेस्टी? चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ये पिज्जा की रेसिपी। मिनी लोफ पिज्जा बनाने के लिए हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी वेजीज लेंगे और उन्हें सौते कर लेंगे। वेजीज में मैंने चॉप्ड अनियन और चॉप्ड कैप्सिकम लिया है। सब्जियों को हल्का सा कुक कर लेने से पिज्जा का टेस्ट अच्छा आएगा। हमें सब्जियों को बस एक मिनट के लिए हल्का सा कुक कर लेना है, ओवर कुक नहीं करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्न भी ऐड करेंगे। कॉर्न डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। बस इसी तरह से हल्का सा सब्जियों को कुक कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन चला जाए। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा लोफ लिया है और अब मैं इन्हें मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लूंगी। मैं इस लोफ से इसी तरह से 12 स्लाइस कट कर लूंगी। एक लोफ से कम 12 स्लाइस कट जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, इसी तरह से मैंने सारे स्लाइस कट कर लिए हैं। अब मैं सारे लोफ के स्लाइसेस के ऊपर पिज्जा टॉपिंग ऐड करूंगी। पिज्जा टॉपिंग के बाद अब नंबर आता है मेयोनीज का। पिज्जा सॉस और मेयोनीज पिज्जा के मेन इंग्रेडिएंट हैं। बिना इनके पिज्जा खाने में मजा ही नहीं आता है। अब मैं इन सबको एक स्पून की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। सॉसेस को स्प्रेड करने के बाद जो मैंने वेजीज कुक करके रखी थी उसे इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा और चीजी टेक्सचर देने के लिए मैं मेयोनीज को ऊपर से स्प्रेड करूंगी। अब चीज के लिए मैंने यहाँ पे अमूल का चीज यूज किया है, आप चाहें तो मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने चीज ग्रेट करके अच्छे से डाल दिया है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे। अब एक पैन लेंगे और सारे पिज्जा को इसमें रख देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे चीज मेल्ट होने तक ढककर पका लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट बाद चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ये देखिए, चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, एंजॉय करिए मिनी लोफ पिज्जा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।